अगर आप मुरादाबाद शहर में कांट रोड, हरतला रेलवे स्टेशन, भोला सिंह की मिलक या शाहपुर तिगरी के इलाके में आसपास कोई एक लो बजट की प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल पर्पज से आप प्लॉट खरीद सकें, जहाँ पे आप मकान भी बना सकें या 2-3 साल बाद उससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आर्य, रियल इस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम जो लेके आए हैं आपके लिए, ये 2 प्लॉट हैं यहाँ पे, और इसकी डिटेल बताने से पहले मैं पहले इसके आपकी कनेक्टिविटी बताता हूँ। तो आप देखिए सराउंडिंग में चारों ओर तो आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है। अब हम बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। अगर आप कांट रोड से इस लोकेशन में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अकबर के किले से अगर आना चाहें तो नई तहसील होते हुए आपको हिंगरी कॉलोनी, और हिंगरी कॉलोनी से आपको हरतल रेलवे क्रॉसिंग, इसी प्रकार कांट रोड से आ रहे हैं तो PVR की तरफ से भी जब आप आएंगे तो हरतल रेलवे स्टेशन को जो रास्ता कट रहा है उससे अंदर आने के बाद उस रोड को फॉलो करेंगे तो आप हरतल रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर पहुँच जाएंगे। उस क्रॉसिंग को पार करने के बाद आपको भोला सिंह की मिलक वाला जो रास्ता स्ट्रेट जा रहा है आपका दक्षिण दिशा में, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो क्रॉसिंग आता है भोला सिंह की मिलक वाला, उसको पार करने के बाद 300 मीटर और दक्षिण दिशा में चलेंगे, वहाँ से आप राइट टर्न लेंगे तो आप इस लोकेशन में पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार आप दिल्ली रोड के आसपास कहीं रह रहे हैं और आप यहाँ आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिर कुंदन पेट्रोल पम्प, एपेक्स या आपका साई हॉस्पिटल, यहाँ सारी लोकेशन से गौतम बुद्धा पार्क के लिए कनेक्टिंग रोड है तो आपको गौतम बुद्धा पार्क आना पड़ेगा। तो गौतम बुद्धा पार्क आने के बाद जब आप पीछे की तरफ आते हैं तो एक जो अकबर के किले से एक ब्रिज निकल रहा है जो कि आपके काशीराम में मिल रहा है गौतम बुद्धा पार्क की तरफ, उस रोड पे आके वहाँ से आप थोड़ा सा और पश्चिम दिशा में आएंगे तो ये भोला सिंह का गांव वाला इलाका आ जाता है, उस रोड को फॉलो करके भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहे होंगे वो सामने प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ मकान भी बने हुए हैं यहाँ पे, और वो इलाका बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ आने वाली है तो और उसका इम्पैक्ट यहाँ भी आएगा। आप देखेंगे चारों तरफ ये अभी मुरादाबाद शहर में बहुत ही कम जगह बची है और जो जगह भी बची है तो वो इतना कॉस्टली है कि एक आम आदमी के बजट में नहीं आ सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लो बजट की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की डिटेल की। तो आप देखेंगे ये आपकी प्रॉपर्टी है, और लगभग ये पूरा 450 गज की ज़मीन है, ये 450 गज अभी सेल में, बाकी इधर की कुछ ज़मीन हमारी सेल हो चुकी है। तो ये प्रॉपर्टी जो पूरी है आपका 450 गज का जो एरिया है ये आपका ईस्ट फेसिंग हो रहा है। इसका अगर आप 100 गज का जो प्लॉट लेते हैं इसका जो फ्रंट मिलेगा आपको 16 फीट के लगभग आपको इसका फ्रंट मिलेगा, और जो इसकी डेप्थ मिलेगी लगभग 45 फीट रहेगी। तो इस हिसाब से अगर आप चाहें तो 100, 150, 200, 450 गज का पूरा है ये, आप जितना भी चाहिए आपको मिल जाएगा। इसके सामने आप देखेंगे सड़क जो है, तो यहाँ से आप 16 फीट की रोड जाके 50 मीटर पे जाके आप राइट साइड को कटेंगे तो यह टाइल्स वाली रोड है, पूरी मजबूत रोड बनी हुई, पक्की रोड बनी हुई है, और यहाँ से आप अगर 110 मीटर जाएंगे तो सीधे आप भोला सिंह की मिलक शाहपुर तिगरी वाली जो मेन रोड है, कनेक्टिंग रोड है, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा ये आपका 450 का एरिया का ये प्लॉट है। इसके अलावा दिखाएंगे एक दूसरी प्रॉपर्टी, ये ठीक सामने की है, यहाँ पे भी लगभग 450 गज का ये प्लॉट है, पर इसका जो फेसिंग होगा ये आपको पड़ेगा वेस्ट फेसिंग पड़ेगा, पश्चिम दिशा में इसका है और सेम कंडीशन है, 450 गज का पूरा एरिया है, उसमें से इसका जो फ्रंट है आपको लगभग वही 16.10 फीट का आपको फ्रंट मिल जाएगा, और जो डेप्थ है इसकी लगभग 45 फीट है। तो 450 ये और 450 ये लगभग आपके पास 900 गज के हमारे पास ये अभी सेल में है ये प्रॉपर्टी। तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेजिडेंशियल पर्पज से भी आप ले सकते हो। आप देखें पड़ोस में ये आपका एक 80 गज का प्लॉट है, अभी जस्ट हमारा 10-15 दिन पहले इसकी रजिस्ट्री हुई है, तो हालांकि उन्होंने नींव भरवा दी है तो उस हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है, और लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और क्योंकि डेवलपिंग एरिया है, क्योंकि मुरादाबाद शहर में अगर आप यहाँ के रेट्स का हम कंपेयर करेंगे तो जो आपके हाँ, और आप देखेंगे देखिए के पोल भी आ रखे हैं तो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से 20-50 मीटर पे ही आपका पोल लगा हुआ है,
तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई इशू नहीं है। और देखेंगे आप इधर नॉर्थ साइड में, नॉर्थ एरिया में देखिए मकान बने हुए हुए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे मकान बना के रह भी सकते हैं। बता रही है और काफ़ी फास्ट ग्रोथ हो रही है, और मैं सोचता हूँ आने वाले 3-4 साल में जो रेट है आपका 3 गुना तक बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा एरिया भी खुला हुआ है, सड़कें भी चौड़ी हैं, मेन रोड से बहुत कनेक्टिंग है। आप 120 मीटर पे आप मेन कनेक्टिंग रोड आपकी बोला सिंह की मिला हुआ, शाहपुर थे कनेक्टिंग रोड भी यहाँ पर है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल दोनों पर्पज़ आपके यहाँ पूरे हो रहे हैं। तो आप अगर इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, मेरा जो नंबर है 9877-6285। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल करना चाहते हो, अगर दो ही कंडीशन मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपके रेट जेन्यून हो और दूसरा प्रॉपर्टी साफ सुथरी हो, उसमें कोई वाद विवाद नहीं है और रेट जेन्यून है, तो डेफिनेटली उसको सेल करने में और प्रमोट करने में हम मदद करेंगे। तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेली मेरे पास आज 5 से 10 डेली कॉल आते हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी है इसको आप सेल करवा दीजिए, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, किसी को मकान चाहिए होता है। तो अगर आप भी ऐसी आपकी कोई पर्टिकुलर डिमांड है कि हमको इस इलाके में इस बजट में आपको ज़मीन कोई आप मकान चाहिए, तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब भी आप कॉल करें तो 3-4 चीज़ें हमको आप बता दें कि आपको मकान चाहिए कि ज़मीन चाहिए, कितने गज का होना चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन आप रिक्वायर्ड है, कौन सी लोकेशन में आपको चाहिए और आपका बजट कितना है। ये सब जानकारी अगर आप हमको देते हैं तो 2 से 3 दिन में हम आपकी पसंद की प्रॉपर्टी आपको दिलवा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए, ताकि कोई अच्छी डील आपके हाथ से निकल ना जाए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप अगर प्रॉपर्टी लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, तो यहाँ पर 2 फायदे हैं। एक तो ये, अगर आपको मकान बनाना है रहने के हिसाब से भी ये एक अच्छी जगह है, क्योंकि आसपास पूरे घर बने हुए हैं, तो आपकी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट भी पूरी हुई है। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखेंगे तो ये वो जगह है जहाँ पे आज की डेट में रेट ग्रोथ कर रहे हैं। अगर हम इस ज़मीन की हिस्ट्री की बात करें तो आज से अगर हम 2 साल पहले यहाँ पे जो रेट थे वो 2.5 से 3 हज़ार रुपये गज थे, और जस्ट 2 साल में रेट आपके यहाँ डबल हो चुके हैं। और जिस प्रकार आप देखेंगे ये सामने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के भी बहुत सारे मकान बन गए हैं, ये इलाका भी डेवलप हो रहा है। इस हिसाब से आने वाले 2 साल में यहाँ पे रेट 2 से 3 गुना रेट बढ़ने ही वाले हैं। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी कोई ज़मीन देख रहे हैं, आपके पास बजट कम है, आप चाहते हैं कि आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, आज के रेट में बैंक हो चाहे कोई पोस्ट ऑफिस हो, वहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आज के रेट में मैक्सिमम 6.7 या 6.8, मतलब 7% भी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप उस पैसे को अगर आप रियल एस्टेट में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जस्ट 1.5-2 साल में आपका पैसा दुगने से दुगना भी हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से भी आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और रहने के हिसाब से भी। तो इसलिए आप देखेंगे अब यहाँ पे जो मैं समराइज़ कर देता हूँ, यहाँ पे आपको जो ज़मीन मिल रही है ये हमारे पास 450 गज आपके पास ये ज़मीन है, इस तरफ भी है, जो कि हम बोलेंगे ये होगी वेस्ट फेसिंग, 450 गज ज़मीन ये है। इसके अलावा देखेंगे और 450 गज का प्लॉट ये है आपका, तो 450 ये जो ज़मीन है ये आपका ईस्ट फेसिंग हो गई, और इधर वाली जो ज़मीन है वो आपका वेस्ट फेसिंग हो गई। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप 100 गज लेना है, 150 गज लेना है, 200 गज लेना है, जो भी चाहे आपको मिल जाएगा, पर मिनिमम 100 गज से नीचे यहाँ पे नहीं दे पाएंगे हम आपको ज़मीन। तो 100 से लेके आप 450 गज का पूरा एरिया आप भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेट भी अच्छे हैं और ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छा है। अब रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट का एक मंत्र आपको और बताना चाहूँगा मैं, तो आपको रियल इस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको वो ज़मीन लेनी है जहाँ पे रेट तो थोड़े कम हो बट उसकी ग्रोथ ज़्यादा दिख रही हो, आसपास आने वाले टाइम में आपको ये दिख रहा है कि वो इलाका डेवलप कर रहा है, वहाँ पर ग्रोथ बढ़ रही है। तो अगर ऐसी आप ज़मीन देखते हैं जो कि सस्ती भी हो और जहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है, तो वहाँ पे आपके क्या होता है जो आपका पैसा है, तो अगर आप पैसा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रखें वहाँ पे जो आपको ग्रोथ मिल रही है आपको 7% मैक्सिमम 7% से ज़्यादा की ग्रोथ पर एनम की नहीं मिल रही है। पर रियल इस्टेट में आप देखेंगे मिनिमम आप कोई भी प्रॉपर्टी में जाते हैं कम से कम 15 से 20% की ग्रोथ मिनिमम है, और अगर आप ऐसा एरिया देखते हैं जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, वहाँ पे आपको एक साल में आपको 30 से लेके 60% तक की ग्रोथ होती है। मतलब हमने ये भी देखा है 1.5-2 साल में पैसा डबल और ट्रिपल होता हुआ भी दिख रहा है। तो इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल दोनों पर्पज़ के हिसाब से इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. अब हम बात करते हैं यहाँ के रेट्स की। तो यहाँ जमीन के जो रेट्स हैं वो है 7,000 रुपये, और जो कि आज के टाइम में इस इलाके में, आसपास के इलाके में जब हम कंपेयर करेंगे, चाहे वो काशीराम हो, बैंक कॉलोनी हो, खुशालपुर हो, बसंत बिहार, इस पूरे इलाके में जो सबसे कम रेट हैं वो यहीं के हैं, जो कि हैं 7,000 रुपये गज। इससे अच्छे रेट शायद मिलना, मैं नहीं समझता मिल पाएंगे। दूसरा, लोकेलिटी के हिसाब से भी ये इलाका आप देखेंगे चारों तरफ पूरा रिहायशी इलाका है और डेवलप हो रहा है ये पूरा, आप देखेंगे घर भी बने हुए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, मैं चंद्र प्रकाश आर्य रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में, एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।